नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। राजधानी रांची में रामनवमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि राजधानी रांची में कुल 2500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें 2000 से अधिक रैप के जवान, जिला पुलिस IRB के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं 283 से अधिक मजिस्ट्रेट विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए हैं। वहीं DSP और SI रैंक के 250 से अधिक पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मेन रोड रतन टाकिस पर। आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर रैप के जवान और पुलिस पदाधिकारी लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं और तैनात किए गए हैं। चलिए जानते हैं कुछ रैप के पदाधिकारी भी हैं इनसे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रामनवमी पर्व को लेकर किस तरह की तैयारी है। रामनवमी पर्व में हम लोग का यहाँ एकरा मस्जिद के पास ड्यूटी लगाया गया है और यहाँ किसी प्रकार से भी दंगा या उपद्रवी जो को भी करने के शरारती तत्व अगर किसी प्रकार की शरारत करते हैं तो उसे सख्ती से हम निपट लेंगे। इसके लिए हम लोग के लिए बजरा वाहन भी है, उसके बाद मल्टी सेल लॉन्चर, बुलेट, रबर बुलेट, पूरा वेपन सजो सामान के साथ हम यहाँ तैयार हैं। और कितने जवान रैप के तैनात किए गए हैं पूरे रांची की बात करें तो? 120 जवान के साथ हम इस शहर में हैं तैनात, करबला चौक और यहाँ एकरा मस्जिद के पास। तो आपने सुना कि किस तरह से करबला चौक और एकरा मस्जिद जो संवेदनशील इलाका है यहाँ पर रैप के जवान को तैनात किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दंगा नियंत्रण वाहन की भी तैनाती की गई है और तमाम इसके अलावा आपको महिला टुकड़ी भी है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगियों को चाहेंगे कि जो महिला जवान है उन्हें भी तैनात किया गया है। पुलिस पूरी तरह से राजधानी रांची में शांतिपूर्ण रामनवमी पर्व संपन्न कराने को लेकर अलर्ट पर है। तो आपको बता दें कि राजधानी रांची में 2500 से अधिक, आपको जैसा कि हमने बताया कि जवानों की तैनाती विभिन्न जगहों पर की गई है राजधानी रांची में। इसके अलावा तीसरी नज़र जिसे कहते हैं CCTV कैमरे और 10 ड्रोन से भी जुलूस की निगरानी की जाएगी। किसी तरह की शरारती तत्व जो होते हैं उपद्रवी करने वाले उन पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। सहयोगी श्रेया के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।